हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने फोटो का इंडिपेंडेंस डे फोटो कैसे बना। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अपने मोबाइल में एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसका नाम है इंडिपेंडेंस डे फोटो फ्रेम। आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना होगा। तो जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर है प्रेड फाइंड फ्रेम्स, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है प्रोफाइल फ्रेम्स, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है डिजाइन योर सेल्फ। तो आप किस तरह का फ़ोटो बनाना चाहते हैं आप उस पर कीजिए क्लिक। जैसे मान लीजिए मैं प्रेड फाइंड फ्रेम्स की वाला फ़ोटो बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ प्रेड फाइंड फ्रेम्स पर कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा। तो यहाँ दो ऑप्शन मिल जाता है, कैमरा का और एक गैलरी का। आप चाहे तो कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करके कैमरा से फ़ोटो खींच कर उस फोटो को आप इंडिपेंडेंस डे फोटो बना सकते हैं। या अगर जो आपको अपने मोबाइल के गैलरी वाला फ़ोटो को बनाना है तो आप यहाँ गैलरी के ऑप्शन पर कर दीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी से कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी फ़ोटो का आप इंडिपेंडेंस डे फ़ोटो बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये वाला फ़ोटो का बनाना चाहता हूँ, तो आपको जिस भी फ़ोटो का बनाना है आप उस फ़ोटो पर कर दीजिए क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद आप चाहे तो अपने फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आपको करना है उतना आप कर लीजिए। और उसके बाद ऊपर के साइड कोने में आप यहाँ डन पर कर दीजिए क्लिक। और उसके बाद अगर जो ऐड आएगा तो ऐड को आपको बैक करके हटा देना है। और उसके बाद आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर फ्रेम भी आ जाएगा। और उसके बाद आप अपने दोनों उंगली से अपने फ़ोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इधर की ओर खिसका सकते हैं, जिधर आपको करना है उतना कर सकते हैं। अगर जो आप चाहते हैं दूसरा फ्रेम लगाना, तो नीचे में यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्रेम देखने को मिल जाता है। आपको दूसरा फ्रेम लगाना है तो आप उस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे कि इस पर क्लिक किया तो देख लीजिए ये दूसरा फ्रेम आ गया, उसी तरह यहाँ पर क्लिक किया तो ये तीसरा आ गया, उसी तरह यहाँ पर क्लिक किया तो ये चौथा आ गया। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्रेम देखने को मिल जाता है। तो आपको जिस भी फ्रेम के साथ बनाना है वो पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला फ्रेम के साथ बनाना है, तो आपको जिस भी फ्रेम के साथ बनाना है वो फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। और फ्रेम में आप अपने फ़ोटो को पूरी तरह से छोटा बड़ा करके आपको जितना भी रखना है फ़ोटो का साइज उतना आप कर लीजिए। और अगर जो आप अपने फ़ोटो को फ्लिप करना चाहते हैं तो आप यहाँ फ्लिप के ऑप्शन पर कीजिए क्लिक। तो आपका फ़ोटो इस तरह से हो जाएगा। तो आपको जैसे भी रखना रख सकते हैं। अगर जो इफेक्ट डालना चाहे तो आप यहाँ इफेक्ट्स के ऑप्शन पर करिए क्लिक। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट नीचे में आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी इफेक्ट आपको अपने फ़ोटो में ऐड करना है वो वाला कर लीजिए। और उसके बाद अगर जो इस फ़ोटो को अपने मोबाइल के गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेव के ऑप्शन पर करिए क्लिक। तो उसके बाद ये फ़ोटो आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने फ़ोटो का इंडिपेंडेंस डे फोटो बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।